हेलो, गुड मॉर्निंग राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल विद साधना मिश्रा ब्लॉग में। फ्रेंड्स, मेरे शादी को 5 साल हो गए, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो आप तुम्हें फर्स्ट टाइम हम गए थे मॉल में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या क्या हमने ख़रीदा, क्या हुआ। तो हम आ गए मॉल में फ्रेंड्स, और हमने ये वाले लिफ्ट में तो पहली बार मैं इस पर चढ़ रही हूँ, मुझे पता भी नहीं था। और इसके बाद हम मॉल में गए फ्रेंड्स, तो बहुत महंगी चीज़ें मिल रही थी। हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं ख़रीदा, सच बता रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं करता। हाँ, मैंने मार्केटिंग किया है, पर हमारे लिए तो नहीं लगता ये है, क्योंकि इसमें जितने भी हाई फाई लोग हैं वही सब इसमें मार्केटिंग कर सकते हैं, यहाँ से बाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा महंगा चीज़ यहाँ पर मिल रहा था मुझे। मेरे को तो लगा कि हम लोग मिडिल क्लास से हैं, तो हम लोगों के लिए तो लोकल मार्केट ही सही है फ्रेंड्स। हम लोगों को यहाँ पे आप दिखा दें, हम आपको थोड़ी सी चाय इन्होंने मुझे दिया, 10 रुपए का चाय है ये, और हमारे लिए ये यही पॉपकॉर्न, ये स्वीट कॉर्न के नाम से बताया था, पता नहीं क्या है फ्रेंड्स, ये मुझे एक कप 70 रुपए का पड़ा है, समझ लीजिए। उसके अलावा मैंने कुछ भी यहाँ से नहीं लिया, बस यही मैंने खाया। आगे मैं आपको, चलिए हनुमान जी आप गए थे तो वहाँ पे हनुमान जी दर्शन भी कर लिए, और बहुत ही अच्छे टाइम पे वहाँ पहुँचे थे फ्रेंड्स। यही एक दो फ़ोटो लिया, फिर चलिए हनुमान जी का दर्शन करते हैं। और यहाँ पे रास्ते में हमको हमने पिया गन्ने का जूस, ये भैया बना रहे थे। और ये हैं बड़े हनुमान जी, इन्हें कहते हैं, ये वाकई बहुत बड़े भी हैं और बहुत मान्यता है इनका। और सबसे किस्मत वाले हम ये हैं कि 4 बजे हम पहुँचे थे, इनकी आरती हो रही थी फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये बड़े हनुमान जी के मंदिर के बगल में ही ये शॉप है, और इसमें आपको सभी विग्रह मिल जाएंगे फ्रेंड्स, सभी ओरिजिनल और पीतल के मिल जाएंगे। इसमें से हमने क्या ख़रीदा है वो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे, पहले ये देखिए। इसमें से सभी देवी देवताओं की मूर्ति आपको मिल जाएंगी, और हमें बहुत ही सुंदर लगा, और आप भी इसे परचेज कर सकते हैं। और ये अगर आपको प्रयागराज में कहीं नहीं मिल रहे हैं मूर्ति मान लीजिए, और चीनी मिट्टी के और ऑनलाइन भी मिलते हैं, लेकिन उसमें कोई फिनिशिंग नहीं होता फ्रेंड्स, हमने देखा था, लेकिन हमने यहाँ पे देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप भी यहाँ से परचेस कर सकते हैं। और वहाँ से हम सीधे घर आ गए फ्रेंड्स, और हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा था खास। हाँ, मैंने मूर्ति ख़रीदी है, जो कि मैंने आपको बताया है, प्रॉमिस किया है, लास्ट में दिखाएंगे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये देखिए, ये मैंने मक्खन निकाला था घी निकालने के लिए, अब हम इसको चढ़ा करके गैस पे, और हम इसका घी निकाल लेंगे। और ये 2 डब्बों में हमने रखा है, देखिए ये ऊपर आ रहा था तो मैंने इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया है। और ये देखिए, फाइनली हमारा घी तैयार हो गया फ्रेंड्स। ये मत समझिएगा ये एक ही बार के घी है, नहीं, इसमें बार बार हम करके तब जाके इतना घी हमने इकट्ठा किया जो हम आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। और ये हमने वहाँ से ख़रीदा है, परचेस किया है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, ये हमने करवा चौथ आ रहा है तो यही हमने परचेस किया है फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साधना मिश्रा ब्लॉग को फॉलो कीजिएगा। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, आप भी वहाँ से कोई भी मूर्ति परचेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये 800 का पड़ा है और अच्छा है, मुझे तो